अस्सलाम वालेकुम, के ट्रेड की तरफ से मैं हूं हशाम। इस हफ्ते का वीकली रिकैप कर लेते हैं। इस हफ्ते मार्केट में हमें मोस्टली पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिली। मार्केट ने समवेयर अराउंड 1700 पॉइंट्स गेन किए टिल वेंसडे और थर्सडे, और उसके बाद तकरीबन 560 पॉइंट्स इसने मार्केट ने तोड़े। उसकी वजह से जो नेट गेन हमें मिला वो समवेयर अराउंड 1130 पॉइंट्स था। कुछ मेन वजूहात इस पॉजिटिविटी की अगर हम डिस्कस करें, मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न यही रहा कि सॉवरेन वेल्थ फंड जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था फॉर अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, उसमें यह था कि जो हमारी गवर्नमेंट के एसेट्स हैं जिसमें OGDC, PPL, NBP एंड मारी पेट्रोलियम का नाम आया गया, उसकी वजह से एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी और इन कंपनीज के अगर हम शेयर्स की बात करें तो उनमें हमें काफ़ी हाई वॉल्यूम्स देखने को मिल सकते हैं। अदर देन दैट, अगर हम आउट ऑफ PSX भी बात करें तो हमें ओवरऑल एक सेक्टर में पॉजिटिविटी दिख रही है, ENPs में, उसके अलावा बैंक्स में, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है हमारे मुल्क के लिए। दूसरी एक अहम खबर ये आई थी इस हफ्ते कि ECC ने 1.2 ट्रिलियन रुपीस का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अपलिफ्टिंग प्रोजेक्ट बेसिकली उन्होंने कहा है, वो अप्रूव कर दिया है, जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉपर्टी सेक्टर है और जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जो काफ़ी टाइम से हम देखने को मिल रहा था कि स्टैग्नेंट रही है, इतनी ज़्यादा उसमें मूवमेंट नहीं है, तो वहाँ पर हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इंटरेस्ट रेट के अगर हम न्यूज़ देखें इस हफ्ते, तो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड काफ़ी एक गहमा गहमी थी मार्केट में, जिसकी वजह से थोड़े वॉल्यूम्स भी हमें लो होते हुए दिखे। तो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्टैग्नेंट रखा है एट 22%, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई वो 28.3% पे रिड्यूस हुई है। एक और अहम खबर इस हफ्ते ये है कि CPEC का जो प्रोजेक्ट जो काफ़ी टाइम से लाइमलाइट में नहीं आ रहा था, वो इस बार लाइमलाइट में आ चुका है और गवर्नमेंट ने चाइना की गवर्नमेंट के साथ एक मुआहदा किया है फॉर CPEC Phase 2। FVR के हवाले से एक पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिली है कि ईयर ऑन ईयर इन्होंने 16.6% की ग्रोथ शो की है, जो कि काफ़ी बेहतर एक इम्प्रूवमेंट है आफ्टर जो सारा एक डिबाकल चल रहा था रिगार्डिंग IMF के FVR के शॉर्टफॉल्स आ रहे थे और टैक्सेस सही से कलेक्ट नहीं हो रहे थे। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर आर कंट्री। ग्लोबल लेवल पर अगर बात की जाए तो रिसेंटली हमने न्यूज़ में सुना कि इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ राइस काफ़ी हिट हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स ऑफ राइस को एक मौका मिला है लाइमलाइट में आने का। उसके हवाले से एक स्क्रिप्ट भी है जो मैटको फूड्स लिमिटेड के नाम से है ऑन PSX, उसमें भी हमें एक तरह से अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले, और इससे फिर ये होगा कि सिर्फ राइस की एक्सपोर्ट नहीं बल्कि बाकी जो पाकिस्तान की कैश क्रॉप्स हैं उनको भी एक एक्सपोर्ट्स का मौका मिलेगा। अगर शेयर के हिसाब से बात की जाए तो आगा खान फंड्स ने जैसे पहले अनाउंस किया था HBL के शेयर्स बाय करने का, उन्होंने दोबारा बाय करने की एक नोटिस दी है, जिसकी वजह से हमें HBL के शेयर के अंदर स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। एंड नॉट जस्ट लिमिटेड टू HBL, ओवरऑल सेक्टर बैंक्स के हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले इस हफ्ते। इस हफ्ते के कुछ नोटेबल रिजल्ट्स अगर हम डिस्कस कर लें तो वो थे EFERT, MCB, HBL, FFC एंड EPQL। इस हफ्ते की अगर हम नेगेटिव न्यूज़ को डिस्कस करें, जो बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन एक मोस्ट प्रोमिनेंट यही आई थी कि पेट्रोल की प्राइस गवर्नमेंट ने 20 रुपीज़ तक ऑलमोस्ट इंक्रीज़ कर दी थी, विच वॉज अनएक्सपेक्टेड, और इसकी वजह से जो काफ़ी आपके ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स वगैरह हैं वो हिट होंगे। रिसेंटली हमने ये सुना कि पॉलिटिकल अगर सिनारियों में बात की जाए तो वहाँ पे अनसर्टिनिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि कुछ जो हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके अरेस्ट की बातें सुनने को मिल रही हैं। थर्ड नेगेटिव न्यूज़ इस हफ्ते की ये है कि गवर्नमेंट ने LNG इम्पोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया है जो हमें हाई प्राइस में मिल रहे थे। इसका नुकसान सबसे बड़ा ये होगा कि हमें फ्यूल शॉर्टेज देखने को मिल सकती है इन द कमिंग मंथ्स। इस हफ्ते के जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहे हैं वो रिफाइनरीज हैं, टेक्नोलॉजी है एंड ENPs हैं। नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें तो कैबिनेट कमेटी ऑफ एनर्जी ने एक नोटिस जारी किया था, जिसमें वन ऑफ द मेन पॉइंट्स वाज दिस कि रिफाइनरी पॉलिसी के ऊपर काम किया जाएगा, जो काफ़ी टाइम से हम सुनते हुए आ रहे थे, प्री IMF भी सुनते हुए आ रहे थे, तो अब जाके वो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी है और उसमें अपग्रेडेशन ऑफ रिफाइनरीज का कहा गया है। अगर ये न्यूज़ इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है इस सारी पॉलिसी की, तो रिफाइनरी सेक्टर में हमें एक तो स्पेसिफिकली बूम देखने को मिलेगा, बट नॉट जस्ट रिफाइनरीज, ओवरऑल मार्केट में हमें देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे इन्वेस्टर्स IMF की न्यूज़ के ऊपर रुके हुए थे, उसी तरीके से रिफाइनरी पॉलिसी भी काफ़ी इन्वेस्टर्स जो हैं वो पोजीशंस लेने पे कतरा रहे थे। अब जाके जब रिफाइनरी पॉलिसी ऑफिशियली लेवल पे अनाउंस हो गई है और अपग्रेडेशन की बात हो रही है, तो उस वजह से हमें एक अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिल सकते हैं डिपेंडेंट ऑन दिस पॉलिसी। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही, आपसे होगी मुलाकात नेक्स्ट वीक। थैंक यू।